हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो गुड मॉर्निंग, सुबह का 5 बज रहा है तो आज मैं 5 बजे उठ गई हूँ। तो आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं आज सुबह 5 बजे क्यों उठी हूँ। तो मैं अभी पत्ता गोभी और आलू का भुजिया बना ले रही हूँ और मैं आटा लगा लूँगी। तो अभी डब्बे में मतलब आटा ख़त्म हो गया था तो मैं पहले आटा काट के और डाल दे रही हूँ। तो अभी जैसे कि डब्बे को मैं कल ही धोई थी तो ख़त्म हो गया था, इसके लिए मैं धो दी थी। तो जितने बार मतलब आटा ख़त्म हो जाते हैं डब्बे में तो मैं धो के रख देती। तो जानते हैं सबसे अच्छी बात है ना कि सुबह सुबह बारिश हो रहा है, मतलब फर्स्ट बार गांधीधाम में बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इतना ज़्यादा मतलब बता ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है। तभी मैं बारिश का मौसम मतलब थोड़ा सा भी किया है ना, लेकिन पकोड़ा मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। मुझे बारिश में पकोड़ा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे घर में इनको भी, मुझे भी, पल्लवी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी थोड़ा ही थोड़ा ही हो रहा था, ज़्यादा तो बारिश नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे बेसन और लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी नमक मैं मिक्स कर दी हूँ और मैं प्याज और बस पत्ता गोभी की पकौड़ा बनाऊँगी। तो मैं लंबा पीसेस में पत्ता गोभी को भी काट ली थी और प्याज को भी लंबा पीसेस में काट ली थी। और मतलब इस तरह से मुझे पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें आलू मिक्स बिल्कुल भी नहीं की हूँ। तो अरे मैं यहाँ पे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दी हूँ उसको, मतलब पकौड़ी मतलब बेसन को थोड़ा सेट हो जाए। तभी मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ फर्स्ट पकौड़ी। तो थोड़ा समय उसको उठा के और गैस पे रख दूंगी। तो मैं जब भी फर्स्ट बार कुछ भी चीज़ मतलब तलती हूँ ना, तो मैं उसको गैस में थोड़ा सा रख देती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए पकौड़ी को डाल रही हूँ और मतलब बहुत ही ज़्यादा ही है पकौड़ी ना, बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और बनने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं इतना सुबह क्यों उठी हूँ, क्योंकि इनका ड्यूटी का मतलब टाइमिंग चेंज हो गया। अभी सुबह का 6 बजे ड्यूटी हो गया, इसके लिए मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो 5 बजे उठने के बाद मैं इनके लिए लंच बनाती हूँ। तो क्योंकि इनको आने में 2 से 2.5 बज जाता है, इसके लिए मैं जल्दी मतलब उठ के लंच बना देती हूँ। नहीं तो फिर, और दूर है ना ड्यूटी, इसके वजह से फिर दूर में जाते हैं तो फिर वहाँ से आ नहीं सकते। तो देख लीजिए कितना अच्छा से मेरा पकौड़ी बन के तैयार हुआ है, तो मैं आपको सामने से दिखा दे रही हूँ। और मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मतलब क्रिस्पी बना था ना, देख ही सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मुलायम, बहुत ही ज़्यादा ये मुलायम होता है प्याज और पत्ता गोभी का, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी ये मतलब निकल रहे हैं ड्यूटी, 6 बज गया और अभी थोड़ा थोड़ा सा बारिश हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा सा ही हो रहा है। तो प्रियांशी साथ में, प्रियांशी तो मतलब 5:30 बजे ही उठ गई थी, तो ये अपने पापा के साथ खेल रही थी। तभी ये पहले थोड़ा सा ये मतलब बाइक में बैठा लेंगे, लेकिन मानेगी नहीं ना, बारिश हो रहा है या जो भी, लेकिन ये जाने लगते हैं ना तो ये रोना स्टार्ट कर देती। लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। तो अभी देख लीजिए मतलब थोड़ा थोड़ा ज़मीन भीगा भीगा है, तो अभी थोड़ा सा उन घुमा के और फिर दे रखे मुझे। इसके बाद मैं इसको बैठा के और मैं अपना सुबह का जितना काम होता है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मतलब रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है, जैसे कि मैं इनको, इनका रहता था 8 बजे ड्यूटी, तो अभी पल्लवी को मुझे ले जाने का टेंशन नहीं रहता था। तब ये चले गए हैं, लेकिन थोड़ा सा पकौड़ा बनते था तो मैं इसको बना रही हूँ। ये बस हो ही गया है और लास्ट बार है, उसके बाद मैं उठा के मैं बर्तन साफ़ कर ली हूँ। और किचन में थोड़ा मतलब आज उधर पीछे से ना बालकोनी से थोड़ा पानी ना अंदर, मतलब थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि आया है, तो चिप चिप पैर में लग रहा था, तो मैं पोछा नहीं, मैं पानी डाल के और थोड़ा सा सफाई कर दी हूँ, तो अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं रूम पे पूरा झाड़ू कर ली हूँ, उसके बाद से मैं पोछा लगा दे रही हूँ। तो प्रियांशी यहाँ पे ना खेल रही है, बैठ बैठ के मुझे देख रही है। तो अभी मैं बाहर भी धो दे रही हूँ, मतलब थोड़ा सा पानी आया तो गंदा गंदा सा हो गया था, लेकिन अभी पानी छू मतलब अभी नहीं आ रहा है, अभी ख़त्म हो गया पानी। हो सके आज मतलब बारिश हो जाए तो अच्छा है। तो अभी मैं नहा के निकल गई हूँ और पल्लवी की स्कूल ले जाऊँगी। तो अभी मेरा दोनों मतलब दोनों टाइम ले जाना आना मेरा मतलब दोनों ही टाइम का मिल गया है। तो जैसे ये जाते थे 8 बजे ड्यूटी तो ले जाते थे, लेकिन अभी मुझे दोनों टाइम ही ले जाना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होने लगा। तो अभी मैं नहा ली हूँ और बच्चों मतलब दोनों बच्चे को और मैं भी नहा ली हूँ। तो अभी 5 बजे उठती हूँ तो इतना काम हो जाता 8 बजे तक। तो अभी मैं इसको मतलब बिस्किट ले जा रही हूँ और पकौड़ा, बोली कि मुझे पकौड़ा भी दे दीजिए।
तो फिर मैं ओरियो बिस्किट भी डाल दी हूँ, गुड्डे बिस्किट भी डाल दी हूँ और पकोड़ा भी डाल दी हूँ। तो ये स्कूल में इसको पहुँचा के आ लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं कपड़े भी मेरा धुलना है, तो पल्लवी को हम छोड़ रखे हैं स्कूल में और फिर हम लोग आपस घर जा रहे हैं। तो मतलब इसको घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जब जाती है ना अपना दीदी को ले जाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और घर से निकलती है तो इसको भी अच्छा लगता है ना कि घर से निकल गए हैं, तो मतलब बढ़िया इसको लगने लगता है। घर में रहते रहते भी बोर हो जाती है, मतलब यहाँ पे घुमाने वाले भी कोई नहीं ना, तो क्या करे, इसको भी मन नहीं लगता है। तभी मतलब अब अपना इधर घर पे आ गए हैं, थोड़ा सा बस, ज़्यादा तो दूरी पे है नहीं, तो मतलब पेड़ का छांव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो यहाँ पे मतलब यहाँ गेट है हम लोग का, जो कॉलोनी होता है ना, कॉलोनी के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे गेट रहता है। उसके बाद डायरेक्ट मैं घर पे आ गई हूँ और मैं नाश्ता नहीं की थी, तो मैं नहा के और उसको पहुँचा रखी थी पूजा करके। तो मैं सोची ना कि आराम से आके मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि फिर नाश्ता करने के बाद मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, सुबह 5 बजे उठने के बाद झाड़ू पोछा नहाना धोना हो जाता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है। तभी मैं मतलब आके और आराम से नाश्ता सोची कि करूँगी, और प्रियांशी को भी मालिश नहीं की थी तो मैं बस नहला के कपड़े पहना के ले गई थी। तो अभी मैं सोची नहला के और मालिश भी कर लूँ, मतलब मालिश कर लूँगी। तभी पत्ता गोभी का भुजिया और पकोड़ा, रोटी और चाय में खाने जा रही हूँ, मतलब थोड़ा सा बारिश का मैं इंजॉय करने जा रही हूँ। तो तभी मैं प्रियांशी को ना मालिश करके और सुला दी हूँ, तो अब मैं जाके कपड़े धुल लूँगी, क्योंकि फिर मैं नहा के कपड़े नहीं धुली थी, तो एक पायल ये पहनी और एक पायल पता नहीं किधर रखी, गिर जाता है इसका पायल, थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो गिर जाता। तभी देखिए इसका बाल ना थोड़ा थोड़ा सा ना आने लगा है, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आने लगा है। मतलब अभी इसके फुंसी भी जो माथे में थे ना सब सारे ठीक हो गए हैं, और आज से तो हो सके बारिश स्टार्ट हुआ है तो अच्छा है कि बारिश हो जाए। तो मैं यहीं पे बाहर पे लेते आई हूँ कपड़े धुलने के लिए, तो अभी प्रियांशी वहाँ पे सोई है, तो वहाँ पे मैं बाथरूम में धोऊंगी ना तो उठ जाती है आवाज़, थोड़ा सा भी मिले तो उठ जाती, इसके लिए मैं बाहर ही ले आई हूँ। और मतलब नहाने के बाद ना मैं यहीं पर धो लेती हूँ, लेकिन नहाने से पहले मैं धोती हूँ तो बाथरूम में धो लेती हूँ, अच्छा लगता है बाहर पर ही धोना। तभी मैं कपड़े को छत पे डाल दे रही हूँ, अभी मतलब बारिश का मौसम हुआ है कि फिर से बारिश हो जाए, इसके लिए यहाँ हवा चल रहा है ना, तो यहाँ पे 1-1.5 घंटा में मतलब थोड़ा पानी निकल जाए, हो सके कब बारिश हो जाए उसका गारंटी नहीं है। इसके लिए मैं इसका मतलब आज पोछा सब भी मैं धो ली हूँ, अभी हो सके 1-2 दिन मतलब थोड़ा गंदे भी हो गए थे पोछा। तो यहाँ पे मतलब पल्लवी के ना स्कूल यहीं पे है, तो मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ, मैं छत से मतलब उसका स्कूल दिख जाता था, अभी उसका लंच टाइम हुआ होगा तो वहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो देख लीजिए जूम करके मैं दिखा दे रही हूँ, तो कि मतलब ज़्यादा सामने लग रहे हैं लेकिन ज़्यादा दूर पे भी नहीं है, इसे दिख रहे तो ज़्यादा दूर में नहीं है, इतना ही दूर से मुझे ले जाना पड़ता है। तो मतलब इस बाउंड्री दिख रहा है ना, तो इस दीवार के उस पार जाना पड़ता है। तो देखिए अभी बारिश स्टार्ट हो गया, मैं पल्लवी को लेके भी स्कूल से आ गई हूँ, और बारिश आज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है, और मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना क्या बताऊँ, मतलब पहली बार गांधी धाम का बारिश है, तो देखिए पूरा पानी भर गया है, मतलब अभी ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, अभी कम कितना 2 बजे बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ था, तो मैं वीडियो नहीं बनाई, फिर पल्लवी को फटाफट जाके ले आई। तो अगर मेरा वीडियो